नमस्कार कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टील इंडिया को स्वागत करुछि मु तनुश्री। प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइन। 11 राज्य पै 9टी नुवा किस्म रा धान उत्पादन। राज्य रे स्थापन हेबो 1000 कोल्ड रूम। भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठा हेबो 1 वायरस इंडेक्सिंग लैब। 9% महंगा भत्ता वृद्धि करे राज्य सरकार। आसंता 26 रे आंदामान सागर अंचल लॉकडाउन। चलंत नजर पकाइबा संपूर्ण खबर ब्रेक। कटकर विद्याधरपुर स्थित जातीय धान गवेषणा अनुष्ठान एक बड़ सफलता हासिल करिछि। 9टी नूतन किस्मर धान उत्पादन करी एनआरआरआई इतिहास रचिछि। एहि नुवा किस्मर धान 11टी राज्यर जलवायु पै उपयोगी साबित होइ परिबो। फसल मानक अधिसूचना ओ किस्म उद्भावन पै गठित केन्द्रीय उपस्थित पक्षर एहाकु अनुमोदन करा जायतिबा जणा पडिछि। उद्भावन होइतिबा एहि किस्मर धान गुडिक सहय करबा सह जलवायु प्रतिरोधी गुण प्रदर्शन करिबो। सेहि किस्म गुडिक मध्यरे रहिछि सीआर धान 807 एक अग्र किस्म होता बेले घासमरा औषध प्रतिरोधी और मरुड़ी सहनशीलता श्रेष्ठ सब्यस्त होवहार करने फल पारंपरिक धान चाष पद्धति चाषी खर्च 50% को ह्रास पाईपर। सीआर धान 804 किस्म जलमग्नता और मरुड़ी सहनशीलता गुण रही जमापड़े। समाज विभिन्न वर्गर लोकों कल्याण साधन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनेक योजना प्रणयन करते तेरे यहाँ कृषि क्षेत्र अग्रगति नहीं राज्य सरकार एक बड़ योजना आरंभ करने को चाहते। सूचना मुताबक राज्य में 1000 अधिक कोल्ड स्टोरेज रूम स्थापन पनीपरिया और फल चाषर पर्याप्त सुजोग को संपद में परिणत करने को कृषि विभाग प्रक्रिया आरंभ कर दी। पनीपरिया चाष द्वारा किपर चाषी आय वृद्धि हो से नहीं विभाग पक्ष गुरुत्व दि जाए। 10-15 टन क्षमता विशिष्ट 1000 अधिक कोल्ड रूम स्थापन हो राज्य एथसत चाष को व्यापक करने को अनेक पदक्षेप ग्रहण करने को निष्पत्ति राज्य सरकार। राज्य में कृषि और कृषकों विकास पर राज्य सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करुछन्ते। पारंपरिक धान चाष बदल पनीपरिया और फसल चाष प्रति चाषी को आकृष्ट करने को अनेक पदक्षेप ग्रहण कर राज्य में। सरकार प्रोत्साहन कारण चाषी मैंने विविध फसल आड़ आकृष्ट हो देखा तेरे विभिन्न समय फसल में लगुवा मारात्मक भूताणु एवं चिंतार कारण साजिशे। तेणु उद्यान कृषि भूताणु प्रतिकार पर राज्य कृषि विभाग एक नुआ पदक्षेप ग्रहण करने को राजधानी भुवनेश्वर एक वायरस इंडेक्सिंग लैब प्रतिष्ठा हेबो। उद्यान कृषि को भूताण विहीन करने लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अधीन पांठि जोगाई दिया। सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन सहायता रे एही लैब प्रतिष्ठा करा जीवो बोली जाना पड़िछे। राज्य सरकार विभिन्न समय रे राज्य सरकारी कर्मचारी पर विभिन्न प्रकार निष्पत्ति नहीं था जहाद्वारा सरकारी कर्मचारी अनेक लाभ होता है। कार्यरत कर्मचारी सहित पेंशन पाता कर्मचारी को लाभ मिलता है। सेपरि ओडिशा सरकार 9% महंगा भत्ता वृद्धि करते कर्मचारी जहां निष्पत्ति नाप एक खुशी माहौल सृष्टि होती कर्मचारी राज्य समस्त सरकारी कर्मचारी 9% महंगा वृद्धि लागू करने लगे ओडिशा सरकार निष्पत्ति। सेपरि गत 6 तारीख में केन्द्र मंत्रालय कर्मचारी केन्द्र सरकार महंगा भत्ता लागू करिथिले। आसंता 25 तारीख बेलू दक्षिण आंडामान सागर पूर्णवर्ती अंचल एक घूर्णिबल प्रवेश कर प्रभाव में 26 तारीख बेलू आंडामान सागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है। परवर्त समय यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर और दक्षिण पूर्व बंगोपसगर पार्श्वर्ती आंडामान सागर अंचल 26 तारीख बेलू अवपात रूप नहीं पारे। तेरे परवर्त अवस्था यार रूप किभली रही है से नहीं स्पष्ट सूचना मिल ना आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष आसंता डिसेंबर मासरे कृषि जागरण द्वारा आयोजित होगाक जाऊँगी MFY अवार्ड 2023 स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रैक्टर। एथिपे पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होई छी तबे एथिरे निजको शामिल करबाक चाहुथिले डिस्क्रिप्शन रे दिया जेतिबा पंजीकरण लिंक को जानतु। कृषि भित्तिक न्यूज रे अपडेट पाई कृषि जागरण रो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।